कोऑर्डिनेट चैप्टर जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वी हैव स्टार्टेड वन सैटरडे एंड वी हैव डन द डिस्टेंस फार्मूला। हां जी, व्हाट दैट डिस्टेंस फार्मूला इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स x1 y1 एंड b पॉइंट इफ इट इज x2 y2 देन द डिस्टेंस बिटवीन a b इज अंडर रूट ऑफ x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square। Very good। अब मैंने आपको बताया था कि ये distance formula हम type of coordinator को calculate करने में, हम type of triangle को calculate करने में use कर सकते हैं। हमने ये सारा concept जो है कर लिया। Okay बेटा। Now come to the question number 4। मैंने वैसे होमवर्क किया था बट लेट अस डिस्कस दैट क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 4। हां जी बेटा, मैंने तो ये पहले ही बोला था, चाहे x1 माइनस x2 कर दो, चाहे x2 माइनस x1 कर दो, क्योंकि स्क्वायर में वो नेगेटिव एडजस्ट ही हो जाता। बट एक सिमेट्री बनाने के लिए हम आपको फार्मूला बता देते हैं ताकि आप अवेयर रहो इस चीज के। ओके बेटा, ठीक है, चलिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 में हमने करना था चेक वेदर द पॉइंट्स आर बेटा कुलीन जो है वर्टिसेस ऑफ ए सोर्सलेस ट्रायंगल और नॉट। अब बेटा वर्टिसेस ऑफ ए सोर्सलेस ट्रायंगल में मैंने आपको ये बताया था कि ए सोर्सलेस ट्रायंगल तब होते हैं व्हेन टू साइड्स आर इक्वल, व्हेन टू साइड्स आर इक्वल। नोट डाउन ईच एंड एवरीथिंग बेटा। अब बेटा फॉर दैट हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ए बी कैलकुलेट करेंगे। अब बेटा ए बी कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले डिस्टेंस ए बी में लगाएंगे अंडर रूट ऑफ एक्स टू माइनस एक्स वन होल स्क्वायर दैट इज सिक्स माइनस फाइव होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस, जब मैं माइनस करूंगी ऑलरेडी माइनस है तो ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 4 प्लस 2 होल स्क्वायर, तो दैट इज बेटा मेरे पास यहाँ पर क्या आ गया 1 प्लस 6 का स्क्वायर 36 रूट 37 यूनिट्स। जल्दी जल्दी हमने देखना है कि आपसे भी टाइप क्वेश्चन आने हैं, मैं आपको प्रॉपरली लिख के दिखा रही हूँ क्योंकि सीबीएसई का पता नहीं होता ना, एक महीना पहले कह दे कि अब तो ठीक है जी तो हम सब्जेक्टिव ले रहे हैं, तो मैं इसीलिए सब कुछ करवा रही हूँ, जब हम प्रैक्टिस करेंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप की करेंगे। ठीक है बेटा, चलिए तो नेक्स्ट ए बी हो गया, उसके बाद मेरे पास हो गया बी सी दैट इज अंडर रूट ऑफ 7 माइनस 6 होल स्क्वायर प्लस माइनस 2 माइनस 4 होल स्क्वायर, तो मेरे पास क्या बना बेटा 1 स्क्वायर प्लस ये 6 का स्क्वायर 36 रूट 37 यूनिट। क्लियर कट, पहले मेरे पास ए बी आया था वो 37 यूनिट्स आया था, फिर बी सी आया वो भी रूट 37 आया। अब ये नहीं करना दो साइड से इक्वल तो काम खत्म, थर्ड साइड की तो देखो क्या पता वो इक्वल वो भी इक्वल हो, क्योंकि रेसोर्सलेस होनी ना हुई वो क्या हुई तो एमसीक्यू में यही चीज ने ध्यान से करनी। ठीक है, लेट अस कैलकुलेट सी ए नाउ। जब आपने सी ए कैलकुलेट किया तो मेरे पास अंडर 7 माइनस 5 होल स्क्वायर माइनस 2 और प्लस 2 ये जीरो हो गया, तो रूट 2 का स्क्वायर तो दैट मींस 2 ही होगा। क्लियरली ए बी इक्वल्स टू बी सी बट नॉट इक्वल्स टू सी ए, दैट मींस टू साइड्स आर इक्वल देयरफॉर द ट्रायंगल इज आइसोसेलेस। ओके बेटा क्लियर, चले आगे। हाँ जी, नेक्स्ट बेटा मेरे पास तो क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। अगर आप अपनी बुक्स में देखोगे बेटा क्वेश्चन नंबर 5 में एक ग्राफ जो है आपको यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे, अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है इन अ क्लासरूम 4 स्टूडेंट्स आर सिटिंग एट द पॉइंट ए बी सी एंड डी एज शोन इन द पिक्चर। यहाँ पर दिया हुआ है ए बी सी एंड डी, मैं कोऑर्डिनेट्स लिख देती हूँ क्वेश्चन नंबर
comma 4 and the coordinate is 6 comma 1. That is given to you. How beta? मेरे पास इसमें क्या क्या है? इसमें फ्रेंड्स का जो मैं नेम बता दिया कि चंपा एंड चमेली वॉक इनटू द क्लास एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर अ फ्यू मिनट्स चंपा आस्क्ड चमेली डज यू थिंक ए बी सी डी इज अ स्क्वायर चमेली दिस एग्री यूजिंग द डिस्टेंस फार्मूला फाइंड व्हिच ऑफ देम इज करेक्ट पेपर में ऐसे ना लिखा होगा यूजिंग द डिस्टेंस फार्मूला दे जस्ट आस्क यू Do you think that Champa is right? Do you think Chameli is right? Do you think both are correct? Do you think? No option. ये ना ऐसे type बन जाते हैं। तो मैंने कल भी आपको ये sector ही बताया था sorry कि जब भी coordinate की type हो सबसे पहले four sides देखो, four sides equal है तो diagonal देखो, diagonal भी equal है तो वो क्या बन जाएगा? Square बन जाएगा। अगर डायगोनल इक्वल नहीं होते तो क्या बनता रोम्बस अगर फोर साइड से इक्वल नहीं होती ये तो आगे चेक करने की कोई जरूरत ही नहीं क्योंकि स्क्वायर में इट इज नेसेसरी कि फोर की फोर साइड से इक्वल ओके बेटा तो लेट अस सी फर्स्टली एबी कैलकुलेट कीजिए कैलकुलेट एबी हां जी मेरे पास 6 minus 3 whole square 7 minus 4 whole square that is 3 का square 9 तो ये मेरे पास बन गया बेटा AP और ये बन गया 3 units now calculate BC जब हम BC calculate करेंगे let me show you हाँ जी now calculate BC फटाफट calculate कीजिए 9 minus 6 whole square 4 minus 7 whole square same 3 square 3 square तो मुझे पता चल गया ना इसका भी आंसर 3 root 2 units आएगा now calculate CD मेरे पास root आदि बेटा क्या आएगा यहाँ पर जब मैं calculate करूँगी तो that is basically CD में 6 minus and 1 minus 4 ये भी बेटा 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 3 रूट 2 ही आएगा नाउ डी ए बेटा जब आप कहोगे डी ए जब कैलकुलेट हुआ तो मेरे पास जो है क्या आएगा बेटा यहाँ पर दैट इज 6 माइनस 3 होल स्क्वायर 1 माइनस 4 होल स्क्वायर ये भी सेम आया तो आप क्या लिखोगे क्लियर कट मेरे पास जो है That is since four sides are equal ना, but four sides in square नहीं कह सकते क्यों नहीं कह सकते क्योंकि रोम्बस नहीं हो सकता है तो मुझे सबसे पहले यहाँ पर साथ में क्या करना पड़ेगा एक एसी निकालिए एक बीटी निकालिए जब भी बताइए क्या आएगा हरि अब कैलकुलेटर टेन टेन आप किसे जल्दी करना जल्दी भैया हाँ जी बेटा बी पास हाँ जी कितना है एसी भी बीडी भी हाँ जी ऐसे ही अगर सिक्स यूनिट्स आया पीडी भी यूनिट सिक्स आया तो क्लियर कर सिंस द डायगोनल्स आर इक्वल एंड फोर साइड्स आर इक्वल तो बेटा ये क्या बन गया स्क्वायर बन गया ओके जी हाँ जी बेटा पीछे इसमें ऐसे ही में बेटा ए और सी 9 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 का स्क्वायर अंडर जो ए और सी लिखा है ए का कोऑर्डिनेट और सी के कोऑर्डिनेट ठीक है जी क्लियर बेटा चले आगे आप एंड में लिखोगे किसने कहा था कि ए बी सी डी इज अ स्क्वायर दैट मींस चंपा
ओके नाउ कम टू नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर सिक्स लेके अब ये क्वेश्चन नंबर को ना जरा ध्यान से मार्क कर लीजिए ऐसी टाइप एमसीक्यू में जरूर आती है और क्वेश्चन भी बहुत इंटरेस्टिंग है नेम द टाइप ऑफ कोऑर्डिनेटर फॉर्म डिफाइनिंग बाय द फॉलोइंग पॉइंट एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर हमने तो एमसीक्यू में कोई रीजन नहीं देना होता है जस्ट हमने देखना है अब तो देखना बेटा फर्स्ट पार्ट है मेरे पास ये मार्क कर लीजिए एबीसीडी उससे कभी भी ना मिस्टेक नहीं होती जरा कैलकुलेट कीजिए सभी सारी चारों की चारों साइड कैलकुलेट कीजिए ए बी कैलकुलेट कीजिए अंडर रूट 1 प्लस 1 2 स्क्वायर एंड 0 प्लस 2 2 स्क्वायर 4 प्लस 4 रूट 8 आप क्या लिखोगे 2 रूट 2 यूनिट्स एंड यूनिट्स मेरे पास जो है BC, when you calculate BC, and ये क्या हो गया माइनस टू का स्क्वायर मैं सीधा लिख रही हूँ देखिए वन माइनस टू का स्क्वायर फोर टू माइनस जीरो टू का स्क्वायर फोर सेम टू टू यूनिट क्योंकि मैं आपको एमसीक्यू की स्पीड पकड़वाना चाहती हूँ ओके ऐसे कैसे पता जब आप वन माइनस वन करोगे तो वो प्लस ही होगा क्योंकि एक्स टू माइनस एक्स वन होता है ठीक है ना अब बेटा नेक्स्ट देखिए मेरे पास हो गया क्या हो गया यहाँ पर दैट इज ए बी हो गया बी सी सी डी हाँ जी माइनस थ्री प्लस वन माइनस टू का स्क्वायर फोर टू जीरो माइनस टू टू का स्क्वायर क्या हो गया फोर तो राइट फोर टू अगेन टू रूट टू नेक्स्ट डी ए मेरे पास हाँ जी जब मैंने यहाँ पर देखा डी ए तो बेटा माइनस थ्री प्लस वन का स्क्वायर और टू का स्क्वायर माइनस टू का स्क्वायर तो टू का स्क्वायर हाँ जी तो मेरे पास क्लियर कट फोर प्लस फोर टू रूट टू ऑल द साइंस आर इक्वल ऐसे भी हम चीजें हो सकते हैं मे बी स्क्वायर और रोम्बस ये भी सही है ना है क्या नहीं है किस पर डिपेंड करता है डायगोनल ये आप इसको जो है डायगोनल चेक करके प्रॉपर आंसर भी दो अभी तक हमारे पास ये क्लैरिफाई नहीं हुआ कि वो स्क्वायर है कि रोम्बस है चेक इट करिएगा हाँ जी ए सी माइनस वन प्लस वन जीरो टू प्लस वन का स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर फोर का स्क्वायर सिक्सटीन फोर यूनिट बी डी मेरे पास माइनस थ्री माइनस वन का स्क्वायर फोर का स्क्वायर हाँ जी पीछे जीरो ही है तो सिक्सटीन फोर एज द डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल सो देयरफॉर इट इज अ स्क्वायर ओके बेटा क्लियर चलिए नेक्स्ट मेरे पास हो गए सभी लगी सेकंड पार्ट कैलकुलेट कीजिए सभी अपने अपने कैलकुलेशन कीजिए सेकंड पार्ट हाँ जी सेकंड पार्ट में आप देखना जरा मेरे पास क्या दिया हो इनका सेकंड पार्ट माइनस थ्री फाइव थ्री वन टेन जीरो थ्री माइनस वन माइनस फोर लेट इट बी ए बी सी डी हाँ जी बेटा क्या करेंगे यहाँ पर जब हम कैलकुलेट करेंगे ए बी सी डी सबसे पहले ए बी निकालिए बेटा जब भी निकाले मुझे आंसर चाहिए ए बी बी सी सी डी डी ए जल्दी जल्दी ऑनलाइन स्टूडेंट्स हरी आप जल्दी कैलकुलेट कीजिए बेटा टेल मी द वैल्यू ऑफ ए बी ना बेटा टू इयर्स है हाँ जी सेक्शन निकाल लिया इधर उधर देख रहे हो
सी से करना है, ओके ओके ओके, हाँ जी, 9 + 4 मेरे पास 2 30, ओके, नाउ सी बी जब मैं कैलकुलेट करूंगी तो मेरा कितना आएगा, देखिए 1 + हाँ जी मेरे पास हो गए अगेन 7² - 7² 49 2 to 50 ये कितना बना 5/2 बना के नहीं फैक्टराइजेशन करनी आती है ना सबको हाँ जी नेक्स्ट डी ए हाँ जी कितना बनेगा -1 + 3 2² 4 -4 - 5 -9 81 √85 5 की तरह फैक्टराइजेशन करके देख रहा हूँ 5 में जाएगा तो 5 1 का और 7 का कोई कॉमन नहीं आएगा √85 आ जाएगा प्रॉब्लम तो यहाँ ये आ गई क्योंकि टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटर पूछा गया अगर आपको क्वाड्रिलेटर की टाइप पूछा गया है कम से कम या तो आपको जो साइड्स इक्वल होनी चाहिए या 4 साइड्स इक्वल होनी चाहिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना चारों की चारों साइड से डिफरेंट है तो उसमें एटलीस्ट ये चेक करके देख लो कि मेरे पास कहीं दो साइड का सम करके कहीं थर्ड साइड से इक्वल तो नहीं आ कोई ऐसी टाइप तो नहीं बने अगर आपको ऐसे कंफ्यूजन लगे नेक्स्ट भी क्या होता है आप ग्राफ में ड्रॉ करके देखो एक रफ ग्राफ में ड्रॉ करके देखो कैसे ये लीजिए अगर ए देखू -3 और 5 यहाँ पे होगा अगर इसको 5 ले लिया ओके दिस इज ए बी 3, 1 ये आया सी 0, 3 ये आया -1, 4 ये तीनों पॉइंट्स ए की लाइन है यहाँ पे कौन सा बेटा ओके ओके हाँ जी माइनस को नीचे ले लेते हैं ये यहाँ माइनस की करा -4 ओके जी -1 ये दोनों पॉइंट्स मेरे पास अगर मैं ये देखिए ये फिगर बन रही है ना कोई शेप पर्टिकुलर बता रहा है मैं कैसे करती कोऑर्डिनेट जब आप प्रॉपर्ली ड्रॉ करोगे ग्राफ में अपने तो आपको देखना आपकी लाइन में ही आ जाते दैट मींस दिस इज नॉट अ और आगे एक और इजी मेथड होगा एमसीक्यू सॉल्व करने का अगर किसी का एरिया जीरो आ जाता है तो क्वाड्रिलेटर का मतलब ट्रायंगल के लिए 3 पॉइंट्स ही चाहिए अगर मैं इस क्वाड्रिलेटर का ऐसे जॉइन करके किसी ट्रायंगल का एक एरिया दिखा दूं कि वो जीरो है ट्रायंगल का एरिया जीरो होता है तो दैट मींस वो पॉइंट ट्रायंगल बना ही नहीं रही तीनों वो कहां होंगे स्ट्रेट लाइन पे होंगे एक ट्रायंगल का एरिया जीरो That means वो 3 points straight line पे वहाँ से भी touch करते हैं सारा कुछ रखते हैं इसीलिए तो हम कह रहे हैं वैसे area of triangle is not in the syllabus but हमें आपको बताना पड़ेगा क्यों क्योंकि perimeter check करने के लिए क्या होता है वो हिस्ट्री में area of triangle का फॉर्मूला अगर आप लीनियर का वो AB+BC इक्वल टू AC में करोगे तो बहुत लंबा मेथड है तो हमने आपको शॉर्टकट बताने ही पड़ेंगे समझ आ गई बात क्लियर चले आगे से तो स्मार्ट हो गए क्लियर दैट दिस इज नॉट अ क्वाड्रिलेटर अब बेटा 6th का थर्ड पार्ट हाँ जी क्वेश्चन नंबर 6th का थर्ड पार्ट होमवर्क है Now, very important, चाहे MCQ भी आए, question number 7.
में आपका ये क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सेवन फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस व्हिच इज इक्विडिस्टेंट. वर्ड इक्विडिस्टेंट है. इक्विडिस्टेंट का मतलब सेम पॉइंट, मतलब एक पॉइंट से सेम डिस्टेंस होना दो पॉइंट से. इस एक पॉइंट है पी, इसका ए से और बी से डिस्टेंस सेम होना. अब उसने कहा ऐसा पॉइंट बताइए एक्स एक्सिस पे. सबसे बड़ी बात एनी पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस आपको पता है वो कैसा होना चाहिए, एक्स कॉमा जीरो. क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगे तो सम बेटर हो. एक्स कॉमा जीरो ये आपके पास एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस है. अब इसका डिस्टेंस देखना किससे, ए और बी से. आपको बताया हुआ पहला पॉइंट तो हाँ माइनस फाइव और दूसरा माइनस टू कॉमा नाइन. तो हमने क्या निकाला अपनी तरफ से एक्स लिया एक्स की वैल्यू वैल्यूएट करें तो कैसे निकालेंगे. क्लियर कर पी ए इज इक्वल टू पी बी. अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ बच्चे क्या करते हैं आगे आप मिड पॉइंट फॉर्मूला बताएंगे. बच्चे मिड पॉइंट फॉर्मूला बता देते बेटा दैट इज रॉन्ग. मैं बार बार कह रही मिड पॉइंट का मतलब होता है एक ही लाइन पे ये तीनों पॉइंट्स होने चाहिए तब मिड पॉइंट लगता है. जब मैं कह रही हूँ इक्वी डिस्टेंट है, इक्वी डिस्टेंस का मतलब है डिस्टेंस सेम होना चाहिए, ना कि ये जरूरी है कि तीनों पॉइंट्स एक जगह लगे. मैं हूँ यहाँ पर और सिमरन मेरे पास है, इधर से रणवीर है. अगर मेरे से ये दोनों इक्वी डिस्टेंस है बट वो सेकेंड लाइन पे बैठी है ये थर्ड लाइन पे बैठा है, हम लाइन तो एक नहीं है ना, एक स्ट्रेट लाइन पे तो नहीं तीनों लाइन कर रहे. तो दैट्स व्हाई इक्विडिस्टेंस पे कभी भी मिड पॉइंट का फॉर्मूला यूज नहीं करते, ये अपने माइंड में सेट करते, गलत ही आंसर निकलेगा. अब बेटा देखिए यहाँ पर मेरे पास हो गए मैं डिस्टेंस का अगर इक्वल थे तो स्क्वायर भी इक्वल, उसका बेनिफिट क्या हो जाएगा, अंडर रूट लगाने की जरूरत नहीं है. तो अब सीधा पी ए आपने लगाना है, अभी आपको समझ नहीं है तो आप लगा सकते हो x माइनस टू का स्क्वायर प्लस जीरो माइनस यानी प्लस फाइव का स्क्वायर, अंडर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे. दूसरी तरफ पी बी x माइनस माइनस टू का स्क्वायर और जीरो माइनस नाइन एटी वन का या अंडर रूट और स्क्वायर, स्क्वायर और अंडर रूट क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे. मेरे पास क्या बचा x माइनस टू का स्क्वायर 25 इक्वल्स टू बेटा मेरे पास x प्लस टू का होल स्क्वायर प्लस 81. हाँ जी बेटा अब यहाँ पर यूज करें a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2ab 4x प्लस 25. अब मेरे पास यहाँ पर क्या आया a प्लस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 81
और जल्दी जल्दी में आपने क्या करना है मुझे पता है फर्स्ट आंसर पिक कर देना क्यू क्योंकि एक्स वैल्यू माइनस सेवन दैट इज व्हाट हमने पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस बताना है तो वो कैसा है एक्स कॉमा जीरो दैट्स राइट बात समझ आई कैसी क्वेश्चन वही है बेसिक वही है बट हम आपको कंफ्यूज करेंगे चलिए बाकी कोई डाउट तो नहीं अगर y एक्सिस होता तो 0 कॉमा y पॉइंट लेते और y की वैल्यू निकलती मान लो y की वैल्यू 5 निकलती तो आप उसको क्या देते 0 कॉमा बस समझ आ गई सिस्टम बेटा अगर कोई डिस्टेंस इक्वल होता है तो उसका स्केयर भी इक्वल ही होता है वो अंडर रूट कटिंग हो जाए मैंने दोनों साइड्स के स्केयरिंग ऑन बोथ साइड कर दिया अंडर रूट को कटिंग करने के लिए और कुछ चलो बेटा आगे क्लियर टू एवरीवन समझ आ रहा है सब कुछ मन्ना चले नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास हो रहे लेट अस डू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ हां जी क्वेश्चन नंबर 8 what is written here find the value of y for which the distance between the point is 10 units yani mere paas ho gaye kisme distance diya p and q mein that is given to me 10 units ab beta मैं बार बार कहती हूँ जब वैल्यू भी काम नहीं है अंडर रूट आता है ना डिस्टेंस फॉर्मूले में तो स्क्वायर ले लो तो उससे अंडर रूट क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा मेरी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी अब पी क्यू 10 माइनस 2 का स्क्वायर 5 प्लस 3 का स्क्वायर अब मैंने अंडर रूट का स्क्वायर कैंसिल हो गया इधर आ गया अंडर अब ये ए स्क्वायर 64 ए स्क्वायर बी स्क्वायर मेरे पास हो गए That is 9, 2ab, 6y, किसके इक्वल आया? 100 के आया। ओके बेटा, तो अब मैं यहाँ पर क्या करूँगी बेटा? What I have to do? Quadratic बनी है, solve करने इस पर चिपका। हाँ जी, plus किया, तो मेरे पास ये बना 73, 73 इधर जाके minus किया, तो बेटा मेरे पास 7 और 27, तो ये minus 27 equal to 0. कैलकुलेशन करके चेक करना फैक्टर्स बनाने जल्दी जल्दी आने चाहिए मेरे पास हो गए प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 इक्वल टू 0 और y y प्लस 9 और माइनस 3 y प्लस 9 इक्वल टू 0 y की वैल्यू 3 और माइनस 9 एमसीक्यू में कोई किसी ने स्टेप नहीं देखा नहीं छोड़ो जो स्टेप नहीं जरूरत है सिर्फ कैलकुलेशंस पास करनी है अब आप किसी को भी नहीं छोड़ सकते क्योंकि कोई रीजन दिया उसने अब वो पता क्या कर सकता था यहाँ कैसे एमसीक्यू को चेंज करता हमें आदत पड़ी हुई है हम कहते हैं कोऑर्डिनेट में कोई भी वैल्यू छोड़नी नहीं अगर वो यहाँ वर्डिंग ऐड कर दे एंड में कि वाई शुड बी ऑन द पॉजिटिव साइड यानी नेगेटिव को क्या कर देंगे तब एक ही आंसर यहाँ कोई कंडीशन नहीं लगाई तो दोनों आंसर या वो कहता कि द कोऑर्डिनेट ऑफ y जो है दैट इज बिलो द x एक्सिस के नीचे है वो वैल्यू तो y क्या होगा नेगेटिव पॉजिटिव को क्या कर देंगे ऐसे चेंजेस करेगा मेरी बात समझ आई क्योंकि वहां तुमने तो जल्दी जल्दी में टिक कर दिया छोटी छोटी बातें वहां इग्नोर कर दोगे काम खत्म समझी कोई डाउट तो नहीं बेटा यहाँ चलिए मूव टूवर्ड बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास क्वेश्चन नंबर 9 ठीक से नोट करना बेटा क्वेश्चन नंबर 9 हाँ जी बेटा क्वेश्चन नंबर 9 मेरे पास क्या है इफ क्यू जो है वो मुझे दिया हुआ है दैट इज 01 and this is equidistance from P and R और मुझे P दिया हुआ है 5 comma minus 3 R दिया हुआ है x comma 6 find the value of x and also find the
डिस्टेंस क्यू आर एम पी आर, मुझे क्यू आर भी निकालना है और पी आर भी निकालना है, तो आप एक्स निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हैं परीना? कैसा निकालेंगे प्रिया? काट के भूला करो, कोई बात नहीं। एक्स माइनस बेटा डिस्टेंस जो मुझे दिया हुआ था इक्वल, उसने कहा था क्यू इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम पी एंड आर, तो बेटा पी आर को निकालने की जरूरत ही थी, हमें पी क्यू निकालना है, हमें क्यू आर निकालना। ओके बेटा ध्यान से ये देखा ना, दोनों डिस्टेंस को इक्वेट कीजिए, एक्स की वैल्यू निकालिए, फिर जो उसने आगे स्टेप कहा है वो डिस्टेंस फॉर्म ले सकता है। ओके क्लियर? कोई डाउट तो नहीं किसी को? आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। नाउ द क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज given there in the question number 10, haan ji beta, find a relation between x and y such that the point x comma y is equidistant from the point, pehla point kya diya hua hai 3 comma 6, dusra point minus 3 comma 4, relation find out karna, aapko teen char relation de sakte hain एमसीक्यू टाइप में, वहां से फाइंड आउट करना है। ये क्वेश्चन कंप्लीट करके देखते हैं। हाँ जी, ये पी ले ले, इसको ए ले ले, बी ले ले। इफ पी ए इज इक्वल टू पी बी, 100% स्क्वायर भी इक्वल होगा, तो दैट मींस एक्स माइनस पी का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस सिक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, मेरे पास हो गए अब पी बी एक्स प्लस थ्री का होल स्क्वायर प्लस मेरे पास वाई माइनस सॉल्व कर लीजिए, यू विल गेट योर आंसर। दिस कंप्लीट्स योर एक्सरसाइज। ओके बेटा, एंड वी विल मूव टुवर्ड द नेक्स्ट टॉपिक टुमारो, प्लीज डू द एमसीक्यूज व्हाटएवर इज सेंट टू।